बेटा कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से, बिहार कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी। वैसे मैं तो लालू प्रसाद जी को जानता हूँ, वे बिहारी हैं और वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ से। बेटा आप कितनी पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन की हूँ। क्या करे, क्या किए? ग्रेजुएशन। तुमने बाप रे क्यों कहा? अरे बाप रे, ये क्यों कहा? भैया आप बताओ बिहार कहाँ है? बताओ भाई, पत्रकार महोदय आप बताइए कहां पर है? आप दुनिया की छापते हो, कहां पर है? सबसे अच्छा कहा भैया ने, भारत में है। हम तो ये कहेंगे जहां पे भी है ठीक है, गुड़िया बैठी, यही भारत है और यही बिहार है। बता बहन क्या पूछने आई? मेरी एक बेटी है 3.5 साल की और मुझे लड़का चाहिए। अच्छा, शादी कब हुई? शादी हमारी 2017 में हुई। अच्छा, 2017 में हुई। आपके पति देवा हैं? नहीं। क्यों? मतलब नोएडा रहते हैं, आते जाते रहते हैं। नोएडा रहते हैं, आते जाते, क्या करते हैं नोएडा में? क्या करते हैं वो? अपना मतलब कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नहीं अब डरो मत, बोलिए। आप ऐसे हाथ पकड़ के बोलिए, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि हमारी दुनिया भी आप ही लोग हो ना। सुबह हुआ, सूर्य भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद दरबार में अंदर बैठ गए, पता नहीं अस्त कब हो गया। तो हमें तो ये लगता है कि अभी दिन है, इसलिए हम आप लोगों से खेलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। वो अपना 24 का जॉब करते हैं। 24? हाँ, मतलब दो नंबर का वर्क करते हैं अपना। 420 का? हाँ, 420 का। उसमें आप साथ देती हैं? मैं नहीं देती हूँ, मेरी वो देती हैं, बड़ी वाली। बड़ी वाली मतलब दो शादी की है? हाँ। क्या बात है, तो आप बंटी बंटी बबली का साथ देते हो। एक एक मूवी देखी थी, उसमें एक बंटी बबली थे ना, एक दूसरे को चूना लगाते थे। कौन सी फिल्म है वो? बोल बच्चन। देखो हमारे रामता भी देखते हैं। अब ये बताऊं मैं, ये सुन सुन के कह रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ बंटी बबली थे, एक हमारी जिंदगी में भी आए थे और उसमें कई लोगों के भी जीजा बन गए थे, कई लोगों के फूफा बन गए थे। और मैं जब उनके यहाँ कार्यक्रम में गया तो उन्होंने कई लोगों को चूना लगा दिया, सबको चेक बांट दिए 2.5-2.5 लाख के। पता पड़ा कि जिम में जो बैंक में था कहूँ 1,000-2,000 दे और चले गए। चलो कोई बात नहीं, तो आपकी तो बिनकर डबल काम हो गया ना, तो बेस साथ देती तब नहीं देती हूँ। मैं घर पे रहती हूँ, वहीं पे रहती है। अच्छा, मतलब चाहती है कि मैं वहाँ पर हूँ, यहाँ पे रहे। अच्छा, आप चाहती हैं, वे चाहती हैं कि हम यहाँ पे रहें, तुम चाहती हैं यहाँ पे रहें? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ वहाँ पे भी रहना, लेकिन मम्मी पापा जो है वो लोग चाहते हैं। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। और तो तुम्हारी तो हुआ ना? हाँ हुआ, मेरा ही हुआ। तो तुम्हें अपना क्यों चाहिए? मेरे सास ससुर को चाहिए ना, मेरे सास ससुर उनको लाइक नहीं करते, मुझे मानते हैं लोग, मेरे से ही है। सास ससुर तुम्हारे बेवकूफ़ थे, पहले शादी क्यों कराई थी? मतलब फर्स्ट शादी भी अपने से किए, सेकंड भी अपने से किए हैं। मतलब अच्छा, मैंने अपनी मर्जी से की थी वहां पे, उन्होंने फिर तुम्हारे मतलब से की? हाँ, दोनों अपनी मर्जी से किए, वैसे मम्मी पापा उनका साथ, मेरे में जो था मम्मी पापा साथ दिए थे और उसमें नहीं दिए थे। भयंकर प्रश्न हो गया, बताओ भाई इसका उत्तर क्या दिया जाए? उत्तर बना है तुम्हारा? उत्तर है क्या करूं, किसके साथ रहें? पति को पति आप अपने साथ रखना चाहती हो कि उनके साथ? मतलब हम तो, मैं चाहती हूं उनके साथ भी रहे, मेरे साथ भी रहे। वो चाहती है कि मेरे साथ रहे, इसके साथ नहीं रहे। बुंदेला जी आप दीजिए जवाब, आप दीजिए दीदी। क्यों, आपके पास तो एक्सपीरियंस है इसका, किस किसके पास एक्सपीरियंस बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं, लिखता क्या लिखा हूं, सुनिए। सविता प्रथम पत्नी है, आप दूसरी पत्नी है। 3 जून 2017 में शादी की, तलाक नहीं होगा, लेकिन उनकी आपकी पहली पत्नी मतलब आपकी बड़ी बहन चाहती है कि वो तलाक हो जाए या दूर हो जाए। तो एक पुत्री आपको है, एक पुत्री 3 साल 6 महीना कुछ के अंतर्गत है। कितने साल की है? हाँ, ऐसे ही कुछ है। वाह, आपका पति आपका साथ देगा और साथ में सविता का, रविता का भी देगा, हमारा आशीर्वाद है और दोनों मिलकर रहेंगे। ये पंडुका सगर पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद, आप मिलकर चलिएगा, घर को स्वर्ग बना के रखना है तो मिलकर चलिए, और वही संतान तुम्हारी है, वही उनकी है। यदि मन में खोट रहेगा तो निश्चित आजीवन तुम्हारे परिवार में टूटन फूटन रहेगी, लेकिन आपका पति आपसे नहीं छूनेगा, आशीर्वाद है। तो मैं मतलब मेरा वो बेटा कब होगा, मैं जानना चाहता हूं। बेटा जब होगा, जब तुम 5 अमावस्या कर लोगी और आपके 2022 में बेटा हो जाएगा, मतलब 22 में हो जाएगा, 1 जनवरी 2023 लग सकती है।
संशोधन कर दिया क्योंकि 1 जनवरी दिख रहा है, चलो जाइएगा 2023। और जब अमावस्या नहीं करोगी उस संसार की क्रिया से आप वंचित रहेंगी, तो कैसे क्या होगा इस पर आप लोग स्वयं विचार मान खुद रास्ता रखिएगा, बाद में हमसे कह पाएंगे। बोलिए पंडोगढ़ सरकार की, बोलो भैया क्या बात है, पास में आओ, कहां से आए आप? महाराष्ट्र। कैसे बोलो भाई? महाराष्ट्र से। हाँ। अच्छे से बोला करो, दबंगी से। महाराष्ट्र से। हाँ। बिजनेस क्या है आपका? डेयरी का चालू करने का। डेयरी क्या होता? दूध का, स्वीट का मिक्स। मतलब नंबर 2 वाला, असली वाला? असली वाला। डाटा वाला तो नहीं, रिफंड वाला? अच्छा नहीं, स्वीट का सब मिला लेते हो? आधा आधा सब उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात, बैठ जाओ आराम से, सुबह आ जाओ सुबह तो। हाँ चलो आ जाओ, तो जाओ भाग जाओ, एक बार कैमरा घुमा देना इन पे। आप तो समझ नहीं रहे हो, आपकी तो फोटो भी आ गई कैमरा में, आशीर्वाद। चलो हमारी छोटी बिटिया है। हाँ तो दूध का काम है। हाँ, तो क्या चाहते हो, दूध छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, चालू करने का है। क्या का? दूध डेयरी का, और उसमें स्वीट का, और पार्टनर है, पार्टनर ले। छोड़वा दें? नहीं नहीं, स्वीट का, स्वीट उसमें ये स्वीट क्या होता है? मिठाई का। अच्छा मिठाई। हाँ, और पार्टनर में चालू करने का है। वो पार्टनर के साथ करना है। कौन है पार्टनर? वो है एक नाम अमन वर्मा। नहीं जानते नाम? क्या नाम है? अमन वर्मा। तो आपने लिखा, सुना दूध डेयरी के कार्य में सफलता मिलेगी, अमन के साथ सफलता मिलेगी, और शादी शुभ रहेगी, गीतांजलि डॉक्टर बनेगी, गीतांजलि डॉक्टर होगी, भाई का करियर सफलता मिलेगी, अमन के साथ में विकास होगा, आशीर्वाद है। 10 अक्टूबर 2022 तक आपके कार की ग्रोथ बढ़ेगा, आशीर्वाद है। और गीतांजलि का खाली डेट, बर्थ डेट बताऊंगा। हनुमान जी कृपा से आपके गीतांजलि की मनोकामना 2023 तक डॉक्टर सो जाएगी, आशीर्वाद है। 23 तक और सफलता शीघ्र ही सभी कार्य में पूर्ण होगा, आशीर्वाद है, तत्काल आशीर्वाद है। भैया माइक उठाइए, इतनी बड़ी पर्ची में क्या लिख के लाए हो, दिखाना। तो लड़के का आया है, वो है तेरी की। क्या बात है, ये क्या लिख के लाए आप, क्या है ये, है क्या चीज, ये क्या है? लड़के ने लिख के दिया मुझे। क्या लिख के दिया कि जाके पंडित कुमार से पूछ लो, है माइक से बोलिए, क्या पूछना चाहते हो आप, क्या पूछना उनकी? उन्होंने ये कही कि मैं, आपने जो पूछी मैंने कही तो नौकरी के बारे में, उन्होंने लिख कर दिया। नौकरी के लाने आए, ठीक है, चला, हमने लिखा सुनिए। उमेश कुमार नाम है, पिता का नाम इकबाल है, 25 नवंबर 2021 को जो परीक्षा दी है उसमें संदेह है। अच्छा, केस पक्ष में होगा? अच्छा ठीक, केस पक्ष में होगा, लेकिन बाद में आपको जॉब नहीं होगी और ना ही पैसा मिलेगा। अच्छा। लास्ट में ये केस पुनः केस लगेगा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। जी। 10 अक्टूबर 2023 तक आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। आपके बच्चे की सरकारी जॉब तय है और आपको फैसला पक्ष में होगा, लेकिन बाद में ये जॉब नहीं होगी, उसका पैसा नहीं मिलेगा, पुनः ये संदेह हो जाएगा और आपकी जय सीताराम हो जाएगी। अच्छा।